वालेकुम एवरीवन, मैं आप लोगों को बता रही थी कि कौन से टॉपिक्स हमने स्पेशल पैथोलॉजी में से लाजमी करने हैं, जिसमें से हमारा एक चैप्टर मिस हो गया था, दैट वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो मैं आपको बता दूँ ज़रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने एक बात याद रखनी है, आप शुरू करेंगे ना तो शुरू में तो एटिलेक्टेसिस को आप डेफिनेशन को खाली पढ़ लें, दैट्स इट। उसके बाद ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, इसको आपने करना है। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को अच्छे से पढ़ना है आपने, छोटा सा ही टॉपिक है। देन आपकी आती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज। इसमें से स्पेशली जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं, यहाँ से लेकर इसमें आपकी इम्फाइजीमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस, नमूनिया, ये सारी आएंगी, ठीक है। और कहाँ तक, इस जगह तक। एंड देन आपकी रिस्ट्रिक्टिव में से, रिस्ट्रिक्टिव को छोड़ दें, कम से कम यहाँ तक, यानी क्रॉनिक इंटरस्टिशियल डिजीजेज से पहले पहले ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज, इनको तो आपने फिंगर टिप्स पे करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आते हैं। या वो आपसे ARDS पूछते हैं, या वह एम्फाइजीमा, ब्रोंकेक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, ये इतना पूछते हैं। एटोपी, एटोपिक जो एलर्जी होती है, मतलब ये सारे के सारे उससे, एस्थमा से रिलेटेड है ना आपका जो पीछे गुजरा है। तो यहाँ तक, शुरू से लेकर यहाँ तक आपने बेहतरीन, बहुत अच्छे से करना चैप्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ना ये जो है निमोकोनियोसिस वगैरह, इसके से सिर्फ आप डेफिनेशंस बेशक कर लें मोटी मोटी, इसमें से MCQs आते हैं, SEQ नहीं आता। सिलिकोसिस को एक नज़र बस देख लेना, अगर वैसे आता नहीं है इसमें से कुछ भी। देन आपने जो करनी है अगली इंपॉर्टेंट चीज़, वो है जी आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन को आपने हाली देखना है, इसको भी बहुत डिटेल में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और नमूनिया, नमूनिया कहाँ पर है, यस, ये नमूनिया की कॉजेज, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा जो है ना ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नमूनिया जो है ना, इनने काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है, उसकी पैथोजेनेसिस भी, ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखी हुई होगी, ये इसकी मेन सी पैथोजेनेसिस उनने लिखी है। फिर ये तो उनने बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर जो अगली बात आपने करनी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ नमूनिया करनी है, ठीक है। वो जो पीछे था उसका कुछ भी नहीं करना, वो जो आपके सारे बैक्टीरिया के नाम है ना, वो माइक्रो का पार्ट है, वो इसमें कभी भी नहीं आता होता। आपने सिर्फ लिस्ट याद रखनी है कि कौन कौन से हैं, और आपने इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखनी है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये जो स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन है ना, रेड, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन रेजोल्यूशन, ये बहुत आती हैं, तो इनको भी फिंगर टिप्स पे करना है। तो यानी शुरू के चैप्टर में आपने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपने ये वाला पोर्शन जो है ना, ये बहुत अच्छे से करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ नमूनिया, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छे से करनी है, वो लंग एब्सेस है। बेहतरीन तरीके से लंग एब्सेस को प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बातें होगी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस कभी एक आध दफ़ा शायद आया है, हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं आता, तो इस वजह से इसमें आपने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसके बारे में। आगे आ जाएंगे, और फिर एंड में आपने लंग ट्यूमर्स में से जो लंग का ये ट्यूमर्स की मॉर्फोलॉजी है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बेशक आप इस पैथोजेनेसिस और एटियोलॉजी को ना करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी कर लें, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें इस चैप्टर में से करेंगे, चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड से अगर बाकी कुछ करने का टाइम है तो पढ़ लें, लेकिन ये ज़रूर करने का, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस करनी है आपने, एब्सेस, पल्मोनरी एब्सेस करनी है, नमूनिया करना है, उसकी मॉर्फोलॉजी, और जो आपकी पीछे मैंने बताया है इस कैंसर की मॉर्फोलॉजी सारी। ये तो लंग का चैप्टर होगा। फिर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स का कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार वो बहुत ही आपसे लाइक ऐसा सवाल कर लेते हैं पेपर में जो आपके बुक में नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है डिसऑर्डर का, तो क्या करें। तो बेसिकली यार तकरीबन 95 से 99% आपका वही कुछ आता है जो आपकी बुक में है, ठीक है। बुक से मुराद है मतलब स्पेशल पैथो के पार्ट में से ही आएगा। अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर आएगा भी, तो वो डेफिनेटली ऐसा होगा जो आपने या तो पहले पढ़ा हुआ है, या फिर आपका कोई बहुत जनरल सा क्वेश्चन हो सकता है, इतना कोई मुश्किल सा वो बना के नहीं देते, या फिर आप कभी कभार बहुत बुरी किस्मत हो तो ऐसा कोई सवाल आ जाता है, हर पेपर में नहीं आता। तो अगर कभी कभार ऐसा कोई एक सवाल आ जाए, तो फिर आप अकेले नहीं होते जो उस सवाल से डील कर रहे होते, फिर हर बंदा डील कर रहे होते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर का या फिर आपके एसिड बेस इंबैलेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन दे दें, फिर हम उसके बारे में ये तो नहीं कह सकते ना कि हम श्योर हैं कि ये आएगा, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको देख लें, क्योंकि नहीं आया करते नॉर्मली, तो इस वजह से हम उसे डील नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को ना आप अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ा करें मेरे ख्याल में तो, क्योंकि हम पूरी बुक अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करके करते हैं। एंड देन अगर कोई चीज़ आउट ऑफ दैट आ जाती है, तो फिर कुछ जनरल नॉलेज भी तो हमारे पास है ना। अब जाहिर है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स आपने अपने पहले फार्माकोलॉजी में भी पढ़े हैं, pH का कॉन्सेप्ट आपने वहाँ भी पढ़ा है, उससे पीछे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कुछ ना कुछ आइडिया दे के ना वहाँ पर फिर लिख देना। तो मैं तो यही कहूँगी, बिकॉज
ऐसे आउट ऑफ द वे आने वाले क्वेश्चंस का हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से दिए दें, तो हम उसकी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई पास्ट पेपर के ऐसे क्वेश्चंस हो लिखे हुए उनको ज़रूर आप देख लें, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी खास मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं नोट किया कि हर पेपर में आता हो, शायद 5-6-8 पेपर्स में से कोई एक पेपर आ जाता हो ऐसा, अदरवाइज़ वो भी नहीं आता। सो ये तो बात यहाँ पर ख़त्म होती है, और अभी मैंने बहुत सारी इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।